आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं नाटिका नया मुलाजिम। लेखक हैं गोविंद राम, निर्देशक आनंद किशोर माथुर। आपका नाम भरोसेलाल है ना? हाँ, मेरा ही नाम भरोसेलाल है, पर मैंने तो आपको नहीं पहचाना। पहचानोगी भी कैसे, अभी नए नए जो आए हो, धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो जाएगी। वैसे मुझे दुर्जन सिंह कहते हैं, मैं यहाँ का सबसे पुराना क्लर्क हूँ। अच्छा, अरे भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप बैठिए ना। भरोसेलाल जी, आपकी सज्जनता को देखते हुए जी जा रहा है कि आपको इस कार्यालय की सारी ऊंच नीच बता दूं। पर यहाँ कोई सुन लेगा तो? हाँ, अरे फिर ऐसा कीजिए, आप मुझे शाम की छुट्टी के बाद बता देना। आप तो वाकई नए मुलाजिम हो, भला ये बताओ छुट्टी के बाद भी किसी को फुर्सत मिलती? मेरी मानो तो अभी चलो कैंटीन में बैठकर दिल खोलकर बातें करेंगे। ठीक रहेगा, चलिए चलते हैं कैंटीन। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बैरा जी, आप तो बिल्कुल नए आदमी है, यहाँ के बैरे ऐसे नहीं आते। बैरा आया बाबूजी। बैरा पहले इधर आ, तीन घंटे हो गए बैठा बैठा, पानी का गिलास रख दे। आया बाबूजी। हाँ पहले इधर आओ, दो कप चाय लेके आओ, गरम गरम लाया बाबू। और सुनो खाने के लिए गरम क्या है? खाने के लिए गरम बाबू मिर्च बड़ा, अच्छा कचौड़ी, कचौड़ी पकौड़ी भी है, आलू छोला, अच्छा सभी तो गरम है बाबू जी। वेरी गुड। अभी भरोसेलाल जी बताओ क्या मंगाए? अरे आपकी जो इच्छा हो मंगा लीजिए। नहीं, आप बताओ क्या मंगाए। अरे अब मैं क्या बताऊँ, आप ही मंगा लीजिए अपनी इच्छा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो एक प्लेट गर्म पकौड़ी और दो कप चाय फटाफट लेके आओ। लाया पकौड़ियों की मेरी भी इच्छा थी, ये आपने अच्छा किया। हाँ तो भरोसेलाल जी, आपको मैं बता रहा था कि इस कार्यालय में पहली बात ये याद रखो कि किसी भी आदमी पर विश्वास मत करना। आप पर भी नहीं करूं? आप तो मजाक करने लगे थे। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को किसी का किसी से मेलजोल अच्छा नहीं लगता। अब आप देख लो, अभी हम दोनों यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, आपको कुछ लोग मेरे लिए बुरा भला कहेंगे और मुझे आपके लिए। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये लोगों की पुरानी आदत है। अरे भाई क्या हुआ, जल्दी ले जाओ। ले आया ले आया। ये लो बाबूजी, दो चाय और एक प्लेट पकौड़ी। ठीक है जाओ। पहले पकौड़ी खा ली जाए। पकौड़ियां गर्म है। लीजिए लीजिए खाइए, आप में लीजिए ना। नहीं नहीं आप खाइए ना। अरे नहीं पहले आप। नहीं नहीं देखो पहले आप, नए नए आए हैं। लीजिए मैंने ले लिया, आप भी लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ। वो एकदम बढ़िया बनी है पकौड़ी। चाय भी लीजिए, चाय भी लीजिए, ठंडी हो जाएगी वरना। बहुत अच्छी बनी है। अच्छा भरोसेलाल जी, बाकी बातें अपन लंच के वक्त करेंगे। आप लंच तो लाए होंगे साथ में? हाँ लंच तो लाया हूँ। तो ठीक है, अपन बाकी बातें लंच के बाद करेंगे। चलो। अरे वो आज खुले पैसे लाना तो भूल गया। क्यों पैसे चाहिए क्या? नहीं, नहीं चाहिए नहीं, पर क्या है कि वो चाय पकौड़ी का पेमेंट तो अब करना ही होगा ना। अरे नहीं नहीं दुर्जन सिंह जी, ये पेमेंट तो मैं करूंगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है, आज आप पहली बार ऑफिस में आए हो, आज तो पेमेंट मुझे ही करना चाहिए। नहीं, नहीं, ये क्या बात है? आप चाय रोज करते। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई बारह कितने पैसे हुए? बाबूजी 3 रुपए और 20 पैसे। अच्छा अच्छा, ये लो, ये रहे 3 रुपए और ये 20 पैसे। चलो साहब चले। भाई आज तो आपने हमको तो क्या हो गया। हेलो, हाउ आर यू?
कैसा चल रहा है? अरे भरोसेलाल जी, तुम तो यहाँ क्यों? क्या बात हुई? नहीं, बात तो कुछ नहीं, आपको ऑफिस की पूरी जानकारी जो देनी थी। फिर बात करने के लिए लंच टाइम से अच्छा टाइम और कौन सा होगा? ऑफिस का काम भी खराब नहीं होता और टाइम भी पास हो जाता। आप लंच लेंगे? भूख तो नहीं है, पर आप प्रेम से कह रहे हैं तो ले ही लेता हूँ। ले ही लेता हूँ क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? खाना एकदम बहुत अच्छा है भाई, महीने भर से ढाबे की रोटियां खा रहा हूँ। क्या, आप ढाबे की रोटी खाते हैं? हाँ, मर गए, ये तो रोज की मुसीबत हो गई। आपने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा परोसे लाल जी, फिर बाद में मिलेंगे। अभी तो मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, हे भगवान, ये तुमने अच्छी बदली की, यथा नाम तथा काम। और फिर लोग ठीक ही कहते हैं, दुर्जन सिंह की तो ये आदत ही है, नए मुलाजिम को इधर इधर की बातों में लगाकर गपागप माल खाना। ठीक है, पर अब तो भोले शंकर की बदली भी इसी ऑफिस में हो रही है। अपने इस मित्र को तो इस दुर्जन सिंह के चंगुल से बचाना ही होगा। क्यों ना ऐसी तरकीब लगाई जाए कि दुर्जन सिंह भी भविष्य में सज्जन सिंह बन जाए। अरे भैया, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ। आया आया। आप कौन? अरे भैया, आप ही का नाम दुर्जन सिंह है ना? हाँ, मेरा ही नाम दुर्जन सिंह है, पर आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, पहचानोगे भी कैसे? भला आपको कभी पार्वती बिटिया ने बताया हो तब ना, मैं उनका धर्म मामा हूँ। क्या, धर्म मामा? लगता है बिटिया है नहीं यहाँ पर। हाँ, पार्वती नहीं है, पर आपको क्या काम है? अरे बेटा, काम क्या है, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, सोचा चल बसने से पहले मेरी जायदाद इधर उधर कर देता। तो मामा जी, आप अंदर तो आइए, बैठिए तो सही। आप बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बेटा, आप कहीं तो पार्वती को तार कर दूं? नहीं, इसकी कोई बेटा जरूरत ही नहीं है, मैं 10-15 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। पास के गांव में ही मेरी एक धर्म बहन और रहती है। अच्छा। उसको भी थोड़ा दान पुण्य करना है। मामा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पराए घर में आए हो। 15-10 दिन आराम करते, जब तक पार्वती भी आ जाएगी। अच्छा बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो ठहर जाता हूँ, पर हाँ, बिटिया को तार जरूर कर देना। वो मैं भी कर देता हूँ। कौन है? आया भैया, आया। देख लो बेटा जरा कौन है। मैं हूँ भरोसे लाल। भरोसे, बड़े वक्त पर आए हो तुम। नमस्ते। नमस्ते। आप कहीं बाहर से आए हैं? हाँ बेटा, मैं बाहर से ही आया हूँ। हाँ, ये हमारे धर्म मामा हैं। अच्छा, अरे तो फिर मेरे भी मामा हुए। मामा जी, चल इस पर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भैया, मेरी वजह से आपको बहुत कठिनाई होगी, घर में कोई खाना बनाने वाला भी तो नहीं। अरे नहीं नहीं मामा जी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, दुर्जन सिंह जी ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, आप लोगों के बात करने से समझ गया हूँ कि आप में भाइयों जैसा प्रेम जी। और फिर इसी प्रेम के वश तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो अकेला नौकरों चाकरों के साथ रहते हुए बोर हो गया था। अच्छा, तो मामा जी आप वहाँ करते क्या है? अरे बेटा, नाम मेरा भोला है, पर भोले तुम। मेरे को भला काम करने की क्या जरूरत है? दिल्ली में मेरे 3 मकान हैं, जिनका 2,000 रुपए माहवार किराया आता है, और बैंक में 2,00,000 की FD, उसका भी ब्याज आता है। अलावा इसके जमुना तट पर 20 बीघा जमीन में थोड़ी सी खेती हो जाती है। मामा जी, इतना सब कुछ होते भी आप अकेले रहते? बेटा, ये तो अपनी अपनी किस्मत। देखो ना, अब यहाँ भी बिटिया नहीं है,
सोच रहा हूँ कि खाना वाना बनाने में। नहीं, नहीं 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 मामा जी, खाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये जो अपने मित्र है ना भरोसे लाल जी, इनके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों भरोसे? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर तुम्हारी भाभी को ले आता। अरे आप दोनों के प्रेम ने तो वाकई मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया बेटा, पर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है। मुझे रोज बादाम का हलवा खाने की आदत है, और फिर आजकल तो बादाम बहुत महंगे हैं आप लोगों के लिए। मामा जी, क्या आप समझते कि मैं आपकी जरा भी सेवा नहीं कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ये बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर बादाम का हलवा मेरे लिए बनेगा तो फिर अभी बहू आएगी, बच्चे आएंगे, और फिर आप लोग मुंह देखेंगे क्या? मामा जी, आप हमारी चिंता नहीं करें। हाँ मामा जी, अरे आपके बहाने हमें भी थोड़ा सा बादाम का हलवा खाने को मिल जाएगा। भरोसे लाल, अभी से लाल टपकवाने लगे। भैया ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। भरोसे, तुम तो यार टाइम पर ऑफिस आ जाते हो, पर क्या भाई? अरे तुम्हें तो 8 दिन की छुट्टी के बदले उस धर्म मामा की 8 लाख की जायदाद भी तो मिलेगी। तो मजाक करते हो यार भरोसे, वो संपत्ति तो मुझे मिलनी ही है। पर मैं कह रहा हूँ कि आज तुम भाभी जी को वापस क्यों ले आए? अरे भाई, इसका दुख तो मुझे भी है। अब क्योंकि तुम्हारी भाभी नहीं होगी तो मुझे भी तो बादाम का हलवा नहीं मिलेगा। भरोसे लाल जी, आप तो फिर मजाक पे उतर आए। मैं कह रहा था कि आज तार आया है, शाम को पार्वती आ रही है, अगर तुम भाभी जी को शाम को ले आते तो क्या होता? अरे यार, तुम्हारी भाभी को आज से 3 दिन तक रसोई में नहीं जाना है। क्या? इसीलिए मैं मामा जी से कहकर वापस ले गया था। अच्छा, मामा जी ने हाँ कर दी थी ना? हाँ भाई, हाँ कर दी थी। और देखो ना, मैंने करा दी ना तुम्हारी 200 रुपए की बचत। भरोसे, वाकई तुम तो बहुत भरोसे के आदमी हो भाई। मेरे तो 4 दिन में 800 रुपए खर्च हो गए यार। अब एक बात और सुनो। क्या? तनख्वाह में से कुछ बचा तो है ना? अगर नहीं बचा हो तो काम की चीज बताऊं। क्या काम की चीज? हाँ, एक नया मुलाजिम आ रहा है। क्या? नया मुलाजिम आ रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या नाम है? नाम है भोला शंकर, और फिलहाल मैं आपके घर से आ रहा हूँ। क्या घर से? बादाम का हलवा खाकर। क्या? आप? तो ये सब नाटक क्या? अरे तुम लोग, अरे भाई, रोज रोज नए मुलाजिम से चाय पीते हो, अगर एक आध मुलाजिम ने बादाम का हलवा खा भी लिया तो क्या हुआ? मैं तुम सबको एक एक को देख लूंगा। तुम बहुत बदमाश हो, मैं सबको देख लूंगा। दयाल सिंह जी, हमें तो आपने देख लिया, अब स्टेशन जाओ और भाभी जी को देखो। नया मुलाजिम, गोविंद राम की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।